Hi everyone. So this is in the continuation of the Indian Contract Act series, जो कि हम लोग important case laws की बना रहे हैं. पिछले कुछ videos में हम लोगों ने जैसे कि offer के important case laws देखे थे और intention to legal obligation का देखा था. इस video में हम लोग देखेंगे कि acceptance के important case laws कौन कौन से हैं. मैं 5 cases बताऊंगी, आपको कहानी की तरह समझा दूंगी. So please, अगर आप साथ साथ में notes बनाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. If these cases are very important cases, are being asked regularly in all of the exams. Okay, so let's start. हम लोगों ने जैसे कि इसको बहुत अच्छे से divide किया हुआ है ताकि आप उसको refer कर पाएं in the respective question. So first case जो है वो बात कर रहा है आपसे कि जो silence है वो acceptance consider नहीं होगा. Silence जो है हम उसको acceptance consider नहीं करेंगे. बहुत famous case है Feldhaus versus Bentley का. इस case में क्या हुआ था, एक uncle और उनके नेफ्यू के बीच में इस तरीके का सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट हुआ था कि अंकल ने एक लेटर लिखा था अपने भतीजे को कि मैं तुम्हार से हॉर्स खरीदना चाहता हूँ 13 यूरोस 50 सेंट्स में, और अगर तुमने इस लेटर का जवाब नहीं दिया तो मैं मानूंगा कि वो हॉर्स मेरा है. जब वो लेटर नेफ्यू को मिला तो उसने पढ़ लिया और उसने अपने हॉर्स कीपर को, जिसका नाम बिंडले था, बिंडले को कहा कि आप ऑक्शन जब कर रहे हैं सारे हॉर्सेस का तो सिर्फ ये वाला हॉर्स मत करना, बाकी सारे ऑक्शन में डाल दीजिएगा. लेकिन बिंडले के दिमाग से ये बात निकल गई. बिंडले ने क्या करा, उसने उस हॉर्स को भी सेल ऑफ कर दिया. नाउ अंकल गॉट फ्यूरियस कि जब मैंने तुम्हें, तुम्हारा और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है क्योंकि मैंने उस लेटर में साफ साफ लिखा था दैट इफ यू डू नॉट रिप्लाई मी बैक आई विल कंसिडर दैट द हॉर्स इज सोल्ड टू मी, तो तुम वो हॉर्स किसी और को कैसे सेल कर सकते हो. द केस वॉज फाइल्ड अगेंस्ट Feldhaus, filed the case against Bentley. Now this was the case. Judgment ये आया कि जब अंकल ने वो जो लेटर लिखा था उस लेटर में था that it is the silent acceptance. और केस ने बेंचमार्क ये रिजल्ट दिया कि कभी भी किसी के भी साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा जब तक आपके पास बदले में उसका एक्सेप्टेंस नहीं आया, एक्सप्रेस्ड एक्सेप्टेंस नहीं आया, तब तक हम साइलेंस को एज एन एक्सेप्टेंस ट्रीट नहीं करेंगे. और एक्सेप्टेंस नहीं मिला तो फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ अंकल और नेफ्यू के बीच में. सो द बिंडले वाज ओपन, बिंडले वाज फ्री टू सेल द हॉर्स. ओके, सेकंड केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है अगेन. किस चीज के ऊपर एक्सेप्टेंस शुड बी गिवन बाय द ऑफरी. ये कहता है कि जो ऑफरी है वही एक्सेप्टेंस देगा, कोई और एक्सेप्टेंस थर्ड पार्टी नहीं देगी. कैसे पता चला, केस है हमारे पास पावल वर्सेस ली का. इस केस में क्या हुआ कि ये जो बंदा है पावल, इसने एक कंपनी में अप्लाई करा जॉब के लिए, हेडमास्टर की जॉब के लिए, और इसका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ. तो जो भी ज्यूरी थी, जो इंटरव्यू टेकर्स थे, उनको ये बहुत पसंद आया. लेकिन उनमें से ही एक इसका फ्रेंड था, उसके फ्रेंड ने आके इसको बता दिया दैट वो आर सिलेक्टेड, ऑल्दो उसको कोई ऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन नहीं था, मगर फिर भी उसको पता चल गया कि आई एम सिलेक्टेड. लेटर ऑन दो दैट डिपार्टमेंट सिलेक्टेड समवन एल्स, देन ही फाइल्ड द केस कि जब आप एक बार मुझे सिलेक्ट कर चुके हो तो आप किसी और को सिलेक्ट कैसे कर सकते हो. तो कोर्ट ने ये कहा कि आपको जो आपको एक्सेप्टेंस मिला है वो आपको किसी थर्ड पार्टी ने दिया है, आपके ही ऑफरी ने नहीं दिया है. सो बिकॉज ही एक्सेप्टेंस शुड बी गिवन बाय द ऑफरी ओनली, हेंस the acceptance has not been given to you yet. It was given by the third party who was not authorized to do so. Okay? Next case. Third case कहता है हमसे Brogden versus Metropolitan Railway Company का. Brogden एक company है जो कि coal देती है किसको, Metropolitan Railway Company को. और Brogden एक contract उसने बनाया कि भैया देखो ये मेरी condition है और आप इसको review कर दो. ठीक है, मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी ने कुछ अमेंडमेंट्स करे और वापस से ब्रॉगडन को भेज दिया. ब्रॉगडन ने फिर से उसके फिल्म का प्लान्स वगैरह करके रेलवे कंपनी को भेज दिया और रेलवे कंपनी ने उसको पढ़ा कि हाँ हाँ सब ठीक है और अपने पास रख लिया. अब जब ये बात आई तो उन्होंने पलट के, मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी ने ब्रॉगडन को दोबारा से नहीं बताया दैट वी हैव एक्सेप्टेड इट, बट व्हाट दे डिड इज उन्होंने अपने कंडक्ट, मतलब सब कुछ उसी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक करना शुरू कर दिया. तो यहाँ पे बात आई कि क्या ये एक्सेप्टेंस माना जाएगा व्हेन दे हैव नॉट एक्सप्रेसली एक्सेप्टेड द फैक्ट, एक्सप्रेस द एक्सेप्टेंस ओवर द कॉन्ट्रैक्ट. हाँ बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी उस ही हिसाब से काम कर रही है
तो हम उनका एक्सेप्टेंस उनके कंडक्ट के हिसाब से मानेंगे। जैसे कि आप ये पढ़ भी सकते हो, साफ साफ लिखा है कि देयर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सप्लायर्स ब्रॉकडन एंड द मेट्रोपॉलिटन रेलवे, द ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट दैट वॉज अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूटेड अ काउंटर ऑफर, यस, विच वॉज एक्सेप्टेड बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। ठीक है, नेक्स्ट केस है हमारे पास केस 4, नो एक्सेप्टेंस नो कॉन्ट्रैक्ट का, डिकिंसन वर्सेस डॉट्स का। बड़ा अच्छा केस है, बहुत सिंपल सा भी केस है। अब देखिए इस केस में क्या हुआ कि ये जो डॉट्स है ना, इसने एक ऑफर निकाला, हाँ, इसने ये जो डिफेंडेंट है डॉट्स, मिस्टर डिकिंसन विद एन ऑफर टू सेल हिज हाउस टू हिम फॉर 800 यूरोस, 800 यूरोस पे घर को सेल करने की बात हुई, और उन्होंने कहा कि मैं इस घर को फ्राइडे तक, स्टैंडिंग ऑफर मेरा है, मैं इस ऑफर को फ्राइडे तक ओपन रखूंगा। लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया, उन्होंने कहा ठीक है, आई इंटेंड टू बाय योर हाउस बट आई विल गेट बैक टू यू। ओके, नाउ थर्सडे को ही उनको कोई और बायर मिल गया, ही सोल्ड द हाउस। नाउ द कंप्लेनेंट व्हिच इज रोड टू द कंप्लेनेंट मिस्टर डिकिंसन, उन्होंने ये कहा कि आप जब आपने मुझसे ये वादा किया था कि आप वो घर फ्राइडे तक ओपन रखोगे, तो आपने वो घर थर्सडे को ही सेल कैसे कर दिया। नाउ द जजमेंट वाज कि जब उन्होंने ये कहा दैट आई विल कीप इट ओपन टिल फ्राइडे, दैट वाज मेयर अ प्रॉमिस, दैट डज नॉट वेयर अनलेस यू हैव गिवन द एक्सेप्टेंस। अगर कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट किस बात का, एंड दैट वाज मेयर अ प्रॉमिस। If I buy a good buyer because you have not given me any consideration, you have not given me any assurance, then of course if some other another buyer will come, I will definitely sell the house. So this was the case. Yahan pe court ne kaha, pad sakte hain hum. The court held the statement made by Mr. Dodge was nothing but a promise. There was no binding contract form. He had communicated an offer for buying his house to the complainant. This offer can be revoked any time. But there was no acceptance. Unless there was an acceptance, there would be no contract. So last case here is Bhagwan Das Kheria versus Gitari Lal and Company. ये कहता है acceptance over telephone. इसके लिए पहले आपको section 4 समझना पड़ेगा. Section 4 हमारे पास Bare Act में क्या? Section 4 मुझसे ये कहता है कि communication जो होता है acceptance का. Communication दो तरफा होता है, ठीक है? Communication is if I am saying something to you and you heard it, then only there is a complete communication. If I'm just speaking to the camera, then it is no communication. Okay? So ye kehta hai section 4 mujhe kya kehna hai, the communication of an acceptance is complete as against a proposal when it is put out of the transmission to him as out of his power of the acceptor. Is line ko bahut acche se samajhiyega section 4 ki. Ye bol raha hai ki jab kabhi bhi, for example ke taur pe samjhate hain hum aapko, ये ए है और ये बी है, ए ने एक लेटर लिखा बी को, विल यू सेल योर हाउस फॉर 50 लाख रुपीज टू मी, ओके, यस और नो, राइट। अब इसने ये लेटर लिखा किसको, बी को, विल यू सेल योर हाउस फॉर 50 लाख रुपीज टू मी, यस और नो। बी ने इस बात का एक्सेप्टेंस लिखा, अब ए की तरफ से ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ, जब वो लेटर डी ने पढ़ लिया, ठीक है। ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ, जब वो लेटर डी ने पढ़ लिया। लेकिन बी की तरफ से एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, जब कभी भी ये बी उसी लेटर को, अपने एक्सेप्टेंस को या रिजेक्शन को या आंसर को, कुछ भी, ये अपनी तरफ से भेज देगा। नाउ इट इज द आउट ऑफ द पावर ऑफ हिम कि वो उसको चेंज कर पाए। दिस इज व्हाट सेज बाय सेक्शन 4। लेकिन आज का जो केस है हमारे पास गिरधारी लाल केरिया वर्सेस गिरधारी लाल एंड कंपनी और भगवान दास का केस, इसके अंदर इस केस में हमें साफ बताया कि ये सेक्शन 4 का एक एक्सेप्शन रूल था। इस केस में बात क्या हुई थी कि इनका एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन था। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में ये बात हो रही थी कि उन्होंने आपस में कोई अग्रीमेंट किया और बहस इस बात की हो रही है कि इसका जो ज्यूरिस्डिक्शन होगा, लीगल ज्यूरिस्डिक्शन होगा, वो कौन से कोर्ट में होगा। मतलब कि वो वहां होगा जहां पे ऑफर दिया गया है, या फिर वहां होगा जहां पे एक्सेप्टेंस हुआ है।
तो बहस हो रही थी, कोर्ट ने ये बात बोली कि यस, क्योंकि ये एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में किसी भी थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन नहीं होता। हालांकि जब आप पोस्टल के थ्रू या किसी और माध्यम के थ्रू भेजते हो कोई भी अपना ऑफर या एक्सेप्टेंस, तो वहां पे थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन होता है। बट व्हाइल यू आर इन अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, वहां पे द मूवमेंट, द कनेक्शन इज ऑलरेडी देयर, देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ थर्ड पार्टी। ओके, सो देयर आर जीरो चांसेस ऑफ द टेक्निकल एरर। तो हम ये बात कहेंगे कि आउट ऑफ द पावर वाली बात नहीं है यहाँ पे। जहां पर भी एक्सेप्टेंस लिया गया है, जैसे ही एक्सेप्टेंस हो जाता है वैसे ही प्रॉमिस बन जाता है ना। हमने पढ़ा है सेक्शन 2 सब क्लॉज बी के अंदर कि जैसे ही एक्सेप्टेंस हो जाएगा वैसे ही प्रॉमिस बन जाएगा। सो इस केस में ये बात आई कि जिस जगह पे एक्सेप्टेंस हुआ है, क्योंकि प्रॉमिस वही बना ना, जिस जगह पे एक्सेप्टेंस हुआ है वही ज्यूरिसडिक्शन लिया जाएगा। ओके, सो ये कहता है एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। So these was the important cases on the acceptance. Next video you can watch on invitation to offer. उसके बाद case laws खत्म हो जाएंगे हमारे सिर्फ contract के, and then there are very important videos on the other topics also. So if you're liking the video, please let me know. हाँ, अगर पसंद आ रही है तो comment करो, share करो अपने दोस्तों के साथ, ज्ञान बांटने से बेहतर है। Thank you so much.